नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में इन दिनों नियोजन नीति को लेकर बवेला मचा हुआ है, क्योंकि 21 जुलाई को जिस नियोजन नीति को हेमंत सरकार लेकर आई थी, उस नियोजन नीति को अदालत ने रद्द कर दिया है, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही संकट, जो नौकरियां अभी वैकेंसियां निकल चुकी थी उन पे भी गहरा गया है, और बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख पद अभी खाली हैं, और इन तमाम पदों को लेकर अब संकट गहरा गया है। हेमंत सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि 5 लाख नियुक्तियां होनी है। हम आपको बता दें कि 5 लाख झारखंड में लोग नियुक्त हैं, और उसमें से लगभग 3.5 लाख पद अभी खाली हैं, यानी लगभग 2.25 लाख के आसपास लोग नौकरियों में है और इतने सारे पद खाली हैं। अब अच्छी खासी योजना थी, लगभग 5 परीक्षाओं के लिए तिथियां भी निकल चुकी थी, लेकिन अब JSSC ने उन परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया है। आखिर नियोजन नीति को लेकर ऐसा क्यों हुआ है, हम आपको बताते हैं कि नियोजन नीति कहां से ली गई थी, और अभी भी सरकार उस पर कह रही है कि हम इस पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, यानी हाईकोर्ट ने अगर रद्द किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहे जाने की बात किन मानदंडों पर कही जा रही है, और वहां आधार क्या होगा, अगर इसकी बात की जाए तो झारखंड सरकार जो नियोजन नीति लेकर आई थी, विवाद उस पर आरंभ से ही था। विधि विभाग ने बाकायदा लिखकर उसी वक्त आपत्ति जताई थी जब ये नियोजन नीति लाई गई थी। विधि विभाग ने कहा था कि अगर कोई झारखंडी बच्चा अगर यहाँ से पढ़ाई लिखाई किया हो, लेकिन उसके माँ बाप अगर बाहरी हो, तो फिर ऐसे बच्चों को उसका लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात, विधि विभाग ने इस बिंदु पर की तरफ भी इंगित किया था कि अगर कोई झारखंडी केंद्रीय सेवा में है, आर्मी में है, या किसी भी दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहा है, तो ऐसे में उसके बच्चों ने अगर 10वीं और 12वीं की परीक्षा उसी राज्य से की है तो उनका क्या होगा। विधि विभाग ने इसे लेकर आपत्तियां जताई थी, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 मामलों का हवाला भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद झारखंड सरकार के अधिकारियों ने सरकार की तरफ से उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया था और इस नियोजन नीति को लागू कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा अध्ययन करने पर यह बात भी सामने आ रही है कि ये जो प्रावधान था 10वीं और 12वीं वाला, इसे हिमाचल प्रदेश से लाया गया था, महाधिवक्ता की राय पर इसे हिमाचल प्रदेश से उठाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से यहां भी एक बड़ी चूक हो गई थी जिन लोगों ने इस नियोजन नीति को तैयार किया था। हिमाचल प्रदेश में ये नियम है कि आप वहां तीसरी श्रेणी की नौकरियों में तभी शामिल हो सकते हैं जब आप वहां से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हो, और चौथी श्रेणियों की जो भी नौकरियां होंगी उनमें वही लोग शामिल हो सकते हैं 4th ग्रेड की नौकरियों में जिन्होंने इंटर हिमाचल से किया हो। लेकिन हिमाचल सरकार ने एक शर्त रखी थी कि बोनाफाइड हिमाचली, और उसकी परिभाषा ये थी कि अगर कोई 20 साल से हिमाचल प्रदेश में रह रहा हो, या फिर वो स्थानीय निवासी हो हिमाचल प्रदेश का, तो उसे इन नियमों से छूट मिलनी थी। झारखंड सरकार भी अगर उस प्रावधान को रखती कि जो यहाँ पहले से रह रहा हो या जो स्थानीय निवासी हो, उसे 10वीं और 12वीं वाला प्रावधान उस पर लागू नहीं होगा, तो बात कुछ और होती। लेकिन अब चूंकि पेच फंस चुका है, हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि हम आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। JMM की तरफ से कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि CM हेमंत सोरेन ने भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है, लेकिन यह आसान नहीं दिखता है, क्योंकि झारखंड के ही विधि विभाग ने जब पहले आपत्तियां दर्ज करा दी थी, तो अब उसी मामले को लेकर अगर सरकार आगे जाती है, और विधि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दिया था, कुछ कर्नाटक सरकार बनाम एक दो ऐसे मामले थे जिनका हवाला विधि विभाग की तरफ से दिया गया था, जिसे झारखंड सरकार ने दरकिनार किया, तो ऐसे में अगर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती भी है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब इसी के साथ साथ सवाल सरकार की 1932 स्थानीय नीति पर भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि जिस विधानसभा में खड़े होकर CM हेमंत सोरेन ये साफ साफ कहते हैं कि अगर 1932 खतियान हम लागू करते हैं तो अदालत से वो खारिज हो जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसी स्थानीय नीति को, 1932 खतियान की नीति को विधानसभा से पारित करते हैं। लेकिन अब नियोजन नीति को लेकर जो हस्र हुआ है, अब उसी बात का डर 1932 खतियान की नीति को भी लेकर सताने लगा है, और ये डर तो खुद CM हेमंत सोरेन पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि 1932 पर खतियान लाते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में हंगामा होना तय है। BJP लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है, बाबूलाल मरांडी जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं। अगर उनके ट्वीट्स की बात की जाए तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि झूठ फरेब की उन्मादी गैर कानूनी घोषणा के दम पर झारखंड के युवाओं को आप कुछ दिनों तक भरमा सकते हैं, वाहवाही ले सकते हैं, CM आवास में लड्डू बांटकर अबीर लगाकर अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। इस तरह से बाबूलाल मरांडी ट्वीट कर रहे हैं, लगातार विपक्ष की तरफ से हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने CM हेमंत सोरेन को यह भी चुनौती दे डाली है कि आपके साथ आपके परिवार का एक भी MLA या आपकी पार्टी का एक भी MLA या भावी MLA झारखंड से मैट्रिक पास नहीं है, इसलिए प्रस्ताव पास करते समय ये जोड़ना मत भूलिएगा। उन्होंने लगातार उनके परिवार पर भी
हमला किया और कहा कि आपके परिवार के बच्चे भी बाहर से मैट्रिक पास हैं, तो वो इस नियोजन नीति का फायदा कैसे ले पाते, और युवाओं में कहीं न कहीं बहुत ज्यादा निराशा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और युवाओं को क्या कहकर दिलासा देती है, क्योंकि युवा हताश हैं, निराश हैं। जो नौकरियां जिनके लिए शेड्यूल जारी हो चुका था, एग्जाम्स के लिए शेड्यूल तिथियां जारी हो चुकी थी, उन एग्जाम्स पर भी अब संकट के बादल गहरा गए हैं। JSSC ने उन एग्जाम्स को रद्द कर दिया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।